শুরু কলকাতায় এলেন বিক্রান্ত মেশি, আর এসে জানালেন কলকাতার পুজো নিয়ে, তার নস্টালজিয়া সম্পর্কে, এবং তিনি কতটা ভালো বাংলা বলতে পারেন, বাংলার কোন কোন খাবার তার ঠিক পছন্দ, সেসবও জানালেন পুরো ইন্টারভিউ জুড়ে। আপ সবকো, আপকে পুরো পরিবার কো और जितने भी लोग हैं बंगाल के, उन सबको शुभ पूजो इन एडवांस। और बस यही कह सकता हूँ आपसे। हाँ यार, मैं क्या बोलूँ, मेरी पहली फिल्म यहाँ पे शूट हुई थी। मैं पहली बार, अगर बम्बई से जब मैं निकला था तो मैं कलकत्ता ही आया था ट्रेन में बैठ के, और हम लोग सियालदा गए थे, मुझे याद है। तो बंगाल आना बहुत होता है। मैं भी थोड़े दिन पहले ही, जैसे मैंने कहा, चार दिन पहले कलकत्ता में था, आप भी थे, उसके फिर एक दो महीने पहले मैं सिलीगुड़ी में था। तो बहुत वेस्ट बंगाल आना जाना होता है, और बहुत सारे दोस्त हैं मेरे बम्बई में भी जो वेस्ट बंगाल से हैं। आप लोगों का जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है, तो वो तो यू नो दुनिया भर में है। तो ऐसा लगता है कि बंगाल के साथ एक रिश्ता ऑलरेडी है। एक तो भाषा जो है आप लोगों की, बहुत ही मिष्टी जैसी मीठी है। मेरे को थोड़ा समझ में पूरा आता है। एक नहीं, बोलने को भी आता है थोड़ा थोड़ा, पर मैं थोड़ा पब्लिक डोमेन में कॉन्शियस हो जाता हूँ। और मुझे खाना बहुत पसंद है। मैंने अभी थोड़ा नॉनवेज से ब्रेक लिया हुआ है, लेकिन मैं कोशा मांसू और लूची बहुत खाता था बम्बई में। और बेक्ड रसगुल्ला का तो मैंने बोला अभी, मैं जब भी आता हूँ तो बलोराम का एक डजन लेके जाता हूँ अपने साथ। तो या बहुत अटैचमेंट है मेरी एक्चुअली वेस्ट बंगाल से। आप यहाँ पे आज जो बोल रहे थे मिल्स के लेके, जी वेरी गुड व्यू व्हाट यू से, वुमेन शुड बी द हाफ ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द इनइक्वालिटी। सो आप ऐसे ड्राइविंग नारी में भी आए हैं, और आपने बहुत अच्छा वर्ड भी यूज किया हमारे यहाँ पर, जो मूवमेंट रह रहे आप बोले भी इट शुड नॉट बी डन, बट जब हो गया उसको नया विचार चाहिए। आप बहुत अच्छे तरह से वो बोले, थैंक यू सो मच। पूरा एक मैसेज अगर सभी को दे दे, मेन वुमेन, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अभी मेन वुमेन इसके बियॉन्ड हमें देखना चाहिए। हम लोग चांद पे पहुँच गए हैं, हम मतलब वी आर वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग नेशंस इन द वर्ल्ड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटी में आज भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत पहले बदल जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक बदली नहीं है। वो कलेक्टिवली हो पाएगा मेरे हिसाब से, और वो कलेक्टिवली तब हो पाएगा जब हम सब अपने घरों के अंदर झांक के, हमारे वैल्यू सिस्टम्स को झांक के, हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, हम खुद क्या सीख रहे हैं, उस पर ध्यान दें। तिनके तिनके से सागर बनता है। समाज, चैरिटी बिगिंस एट होम, और समाज जो है वो बहुत सारे घरों को मिलाकर एक बनता है। अगर एक एक घर अपने अंदर झांक के देखेंगे, अपने घरों में हम क्या सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें, एक डोमिनो इफेक्ट होता है। एंड ड्राइविंग नारी की अगर हम बात करें, ये बहुत ही कमाल का इनिशिएटिव है। सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। क्राई फाउंडेशन का तो हम सब जानते ही हैं, जो इन ड्राइव ऑलरेडी कर रहा है, जो बच्चों को वो यू नो एम्पावर कर रहा है, पढ़ाना चाह रहा है, उनको एक बेटर फ्यूचर देना चाहता है। उसी तरह से इन ड्राइव, ये जो ड्राइविंग नारी का कैंपेन है, आप देख रहे हैं कि जो ये औरतें हैं जो कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियली और सोशली चैलेंज बैकग्राउंड से आ रही हैं, उनको एक डिग्निफाइड लाइफ देना चाह रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाह रहा है। तो इट्स अ गुड स्टार्ट, एंड आई थिंक हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। इट इज़ अ वंडरफुल इनिशिएटिव। मैं ये बोल रहा हूँ सबको, जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे दोस्त यार हैं, मेरे बंधु हैं वेस्ट बंगाल के, आप सभी को शुभ पूजा इन एडवांस। और होपफुली मैं पूजो के टाइम पे आऊँगा निको पार्क, तो आप सबसे मिलूंगा। तो देखते थकून, আর জানান আপনাদের এই ইন্টারভিউটা কেমন লাগলো, আর এরকম এক্সক্লুসিভ কন্টেন্টের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন স্পটিফাইতে। থ্যাংক ইউ সো মাচ।